हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उज्जैन मंडी के अनाज के सभी जिनसों के भाव 7 नवंबर 2020 को क्या देखने को मिले। मतलब दोस्तों यहां पे बात करेंगे अनाज के सभी जिनसों में, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गेहूँ का बात हो गया, मक्का का हो गया, चना काबली का हो गया, मेथी दाना का हो गया, उड़द का हो गया, सोयाबीन का हो गया या प्याज और लहसुन का, जो भी हो गया इस वीडियो में आप लोग जानने वाला है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसमें आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। यहाँ पर पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर वीडियो बना रहा है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करूंगा पूरी लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गेहूं लोकन की बात करें तो 4290 रुपये क्विंटल देखने को रही है। न्यूनतम 1810 रुपये देखने को मिली है। अधिकतम भाव यहाँ पे 2315 रुपये देखने को मिली है और मॉडल प्राइस यहाँ पे 2490 रुपये देखने को मिली है उज्जैन मंडी में। गेहूं फूड़ा की बात करें तो यहाँ पे आवक यहाँ पे 697 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव 1610 रुपये रही है। अधिकतम भाव 2153 रुपये देखने को नहीं है और मॉडल प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1732 रुपये देखने को मिली है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे गेहूं पोषक की, तो दोस्तों यहाँ पे आवक यहाँ पे 1406 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव दोस्तों 1460 रुपये देखने को रही है। अधिकतम भाव की बात करूं तो 2276 रुपये देखने को रही है और मॉडल प्राइस की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 1660 रुपये देखने को गेहूं पोषक में मिले। बात करेंगे चना काबली की, तो आवक यहाँ पे 878 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव दोस्तों 3000 रुपये रही है। बात करेंगे दोस्तों अधिकतम भाव की तो 6325 रुपये रही है और मॉडल प्राइस की बात करूँ तो 5711 रुपये देखने को मिली है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे चना शंकर की, तो दोस्तों आवक यहाँ पे 239 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव 3350 रुपये, अधिकतम भाव 5100 रुपये देखने को रही है और मॉडल प्राइस यहाँ पे 4771 रुपये देखने को रही है। बात करेंगे गेहूं सरबती की, तो आवक यहाँ पे 40 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव 1655 रुपये रही है। अधिकतम भाव 2490 रुपये रही है और मॉडल प्राइस की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 2490 रुपये देखने को गेहूं सरबती का मिला है। किसान भाई बात करते हैं यहाँ पे गेहूं सोयाबीन की, तो दोस्तों आवक यहाँ पे 11013 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव 1300 रुपये रही है। अधिकतम भाव दोस्तों 5012 रुपये रही है और मॉडल प्राइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 4218 रुपये देखने को मिला है। किसान भाई बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में मेथी दाना के बारे में, तो दोस्तों आवक यहाँ पे 1 क्विंटल रही है। न्यूनतम भाव 5050 रुपये रही है। अधिकतम भाव दोस्तों 5050 रुपये रही है और मॉडल प्राइस की भी बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 5050 रुपये देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे उड़द के बाजार भाव में, तो दोस्तों उड़द की आवक रही है 12 क्विंटल और न्यूनतम भाव दोस्तों 3500 रुपये रही है। अधिकतम भाव की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 5190 रुपये रही है और मॉडल प्राइस की बात किया जाए दोस्तों 4376 रुपये देखने को उड़द में मिला है। आइए किसान भाई बात करते हैं यहाँ पे आलू के भाव क्या रहे हैं उज्जैन मंडी में, तो दोस्तों यही था आज 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये के लगभग आज उज्जैन मंडी में देखने को मिली है आलू का भाव। वहीं प्याज की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 2800 रुपये भी प्याज का भाव देखने को मिले, 2800 से 3500 रुपये के बीच में देखने को मिले हैं प्याज का भाव। और लहसुन की अगर बात करें यहाँ पे तो आवक यहाँ पे 300 क्विंटल देखने को रही है। आवक न्यूनतम भाव दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये रहे हैं, अधिकतम भाव 8000 रुपये रहे हैं और यहाँ पर मॉडल प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर 6000 रुपये देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के उज्जैन मंडी के सभी जिनसों के भाव। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों इस वीडियो आप लोग को मन में कोई भी सवाल होते हैं तो कमेंट द्वारा आकर कमेंट भी पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी मतलब जिनसों छूट गई है या बहुत जिन तो अभी छूट ही गई हैं, अगर उनका भाव अभी तक अपडेट नहीं मिल रहा है लेकिन जैसे भी मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।